नमस्कार दोस्तों, ओमनी से चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी से निकल के 340वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में कमज़ोर हैं, नहीं आपको अच्छे से पढ़ना आता, नहीं लिखने और बोलने, तो दोस्तों इस सीरीज़ के साथ, इसका नाम है ओमनी से इंग्लिश के साथ, डे वन से बनिए। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाए आने वाले वीडियो की जानकारी पाने के लिए। जहाँ तक वीडियो देखते हैं पसंद आता है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को डे वन से देखने के लिए ओमनी से इंग्लिश यूट्यूब के टाइप सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पर बोली सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या इसी वीडियो के नीचे टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन के लिए, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक मिलेगा। दोस्तों, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन स्किल, सभी के लिए जो होता है वर्ड, ठीक है, वर्ड मीनिंग और जो है इसी से रिलेटेड बहुत सारे जो जैसे कि प्रोवर्ब्स, ठीक है, आदि को याद करना पड़ता है, जो कि आपके लिखने बोलने में बहुत ही योगदान देते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पर कहावतें, हिंदी में जिसे इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं, और इसका उपयोग दोस्तों जब कम्युनिकेशन आप बनाते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, तो अगर आप कहावतें कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं, तो आपका भाषा जो है, आपकी बात जो है निखर कर आती है। तो जैसे कि बहुत सारा बात, जैसे कि जैसा बाप वैसा बेटा, चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है, इसी तरह के बहुत, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, क्या होता है, लिखने में भी काम आएगा, बोलने में भी काम आएगा। तो इसी टॉपिक पे सारा वीडियो है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, धन से धन कमाया जाता है, मनी विद जेट्स मनी, दोस्तों मनी बिगेट्स मनी, यानी कि धन से धन कमाया जाता है, ये दूसरे तरह से बोल सकते हैं, पैसा पैसे को खींचता है, या ऐसे ही बोल सकते हैं, धन से धन कमाया जाता है, दोनों है, पैसे से पैसे, पैसे पैसे को खींचता है, दोनों हम लोग भूल जाते हैं, जब दोनों ही बोलते हैं और बहुत बार बोलते हैं। अब जैसे कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो मेनी अ लिटिल मेक्स ए मिकल, मेनी अ लिटिल मेक्स ए मिकल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बहती गंगा में हाथ धोना, मेक ए वाइल द सन साइंस, मेक ए वाइल द सन साइंस। अब देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कहावत। उसके बाद देखिए, लक्ष्मी जो होती है चंचल होती है, यानी कि लक्ष्मी जो होती है अस्थिर होती है, स्थिरता लक्ष्मी में नहीं होती, धन में नहीं होता। तो riches have wings, riches have wings। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों, और ये रहा, जैसे कि दोस्तों, सांच को आँच क्या, सच्चे को जो होता है ना, कि सच जो सच्चा होता है उसे क्या डरना, सांच को आँच क्या, इंग्लिश में बोलेंगे इसे, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। बंदर आदि का स्वाद क्या जाने, बंदर आदि का स्वाद क्या जाने। टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द रुत, गाय मारकर जूता दान, गाय मारकर जूता दान। टू रो पीटर टू पे पॉल, टू रो पीटर टू पे पॉल। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस तरह कहावतें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, और मेरे विचार से इस तरह की बात हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में आपको जानने चाहिए, ताकि आप अच्छे से बोल पाएँ और इसका प्रभाव भी आप दूसरे के ऊपर छोड़ पाएँ। देखिए नेक्स्ट है, जिसका दुख वही जाना, जिसके साथ जो होता है उसका वही जानता है। तो दोस्तों, द वियरर नोज
वेयर द शू पिंचेस। नेक्स्ट है नहीं से कुछ बना, मतलब नहीं से कुछ नहीं है तो जरा सा भी मिल जाए तो बहुत कुछ है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ बना। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जो है एक दिन में नहीं बना था। नेक्स्ट है मोहर लूटा जाए कोयले पर छाप पड़े, मोहर लूटा जाए कोयले पर छाप पड़े। पेनी वाइज पाउंड फुलिस, पेनी वाइज पाउंड फुलिस, कांटा से कांटा निकलता है। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो एक फूल, ठीक है एक फूल से माला नहीं बनता, मतलब सिंगल फूल से माला थोड़ी बनता है। वन फ्लावर मेक्स नो गारलैंड। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बहुत ही फेमस कहावत है दोस्तों, माइट इज राइट, इजीली याद हो भी हो जाएगा आपको, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हत्या के बदले फांसी। मेजर्स फोर मेजर, मेजर फोर मेजर, जस बाप दस बेटा। लाइक फादर लाइक सन, आप लाइक ब्रदर लाइक, ठीक है छोड़ी, सो लाइक मदर लाइक डॉटर भी बोल सकते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर, तो दो तरह से हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चोर चोर मौसेरे भाई, बहुत ही फेमस कहावत है प्रभाव से, लाइक ड्रॉज लाइक, लाइक ड्रॉज लाइक। बीती को गाड़ो, बीती को गाड़ दो ये भूल जाओ। लेट द पास्ट वरी द डेड, लेट द पास्ट वरी द डेड, एक पंथ दो काज, यानी एक साथ दो काम कर जाना। किलिंग टू वर्ड्स विथ अ गॉन, एक पंथ दो कार्य, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, बहुत ही फेमस कहावत है दोस्तों। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, इट्स टेक टू मेक अ क्वेरल। नेक्स्ट है बीती सो बीती, लेट बाईगोन बी बाईगोन, लेट बाईगोन बी बाईगोन, काम काम को सिखलाता है। इट इज वर्क दैट मेक्स अ वर्कमैन, इट इज वर्क दैट मेक्स अ वर्कमैन। बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पीट मिल्क, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पीट मिल्क, पाप का धन प्रायश्चित में जाता है। इल गॉट एल स्पेंट, एल गॉट एल स्पेंट। नेक्स्ट दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटा वीडियो मैंने लिया था ताकि आपको बहुत सारे प्रवर्ड्स से रूबरू कराया जाए, और इसे याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक साथ अगर 100 प्रवर्ड्स आते तो आप हो सकता है देखते लेकिन याद ना कर पाते, तो कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए ये छोटे छोटे वीडियो आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप नए हैं और इसी तरह के प्रभाव और देखना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक लिंक है जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक है जिसके थ्रू आप हमारे प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें डे वन से वीडियो आप देख सकते हैं अभी तक, और एक यहाँ और एक यहाँ जो है प्रीवियस वीडियो के लिंक है। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो का लिंक देखिए, लिंक पे जरूर जाएँ
और जो वर्ड मीनिंग्स है उससे रिलेटेड, यानी कि जो हिंदी से अंग्रेजी शब्द को उसको आसानी से देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रोवर्ब्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।